जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो पर। दोस्तों एक यहाँ पर खुशखबरी लेकर आए हैं आप सभी लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो पर क्या बताने वाला हूँ। और जो है इस चैनल पे मैं छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर एक जानकारी भी अपलोड करता हूँ, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। फाइनली यहाँ पर स्कॉलरशिप आवास के पैसे आ गए हैं, तो किसके पैसे आए हैं आगे इस वीडियो पर बात करेंगे और इस बार कितने रुपये आए हैं आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि 15,000, 20,000, 25,000, 1,00,000 कितने पैसे आए ये आपको आगे इस वीडियो पर बताने वाला हूँ कि आपके इसमें कम आया ज़्यादा है या आप पता कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं इस वीडियो पर आपको बता रहा हूँ कि अंत तक आपको बने रहना है, ठीक है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर एक जानकारी जो है मैं अपलोड करता हूँ। साथ में आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मोबाइल स्टडी पॉइंट, ये टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक जानकारी हम इस पर अपलोड करते हैं और इस पर आप जो है कभी भी मैसेज कर सकते हैं, मैसेज का रिप्लाई आपको तुरंत मिल जाता है। कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो इस पर मैसेज कर दीजिएगा, इस ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर, या तो आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम का ग्रुप, वहाँ से ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। कोई प्रश्न है या तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलेगा, सभी आपको छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बता दें, यहाँ पर स्कॉलरशिप, ठीक है, इनके यहाँ पर बदल लेता हूँ मैं, स्कॉलरशिप और यहाँ पर जो है आवास, ठीक है, आपके जो है आवास, काफ़ी सारे लोगों यहाँ पर जो है आवास के यहाँ पर पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्कॉलरशिप और आवास के फाइनली यहाँ पर पैसे आ गए हैं, ठीक है, कितने पैसे आए हैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप जो है इसका पता आप मैसेज से भी आप कर सकते हैं, आपके मोबाइल पर मैसेज आया होगा, या तो आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ, आप जब फार्म भरे होंगे छात्रवृत्ति के, ठीक है, स्कॉलर के जब फार्म भरे होंगे आपने, ठीक है, वहाँ पर आपको जितना पैसा, तो यहाँ पर आपके लगभग सभी के यहाँ पर 10,000 कितने, 10,589 रुपये, ठीक है, आपको स्कॉलर के रूप में यहाँ पर मिलने वाली थी। और यहाँ पर बता दें, यहाँ एसटी वालों की यहाँ पर स्कॉलरशिप आई है, ठीक है, जो भी एसटी का छात्र छात्रा हैं उनके यहाँ पर स्कॉलरशिप यहाँ पर आई है, ठीक है, वो भी स्कॉलरशिप कितनी आई है, 10,000 आई है। और वहीं पर बात करें आवास, ठीक है, आवास के यहाँ पर जो है उनकी फर्स्ट किस्त आई है, ठीक है, फर्स्ट किस्त मतलब जो है आवास, आप जितने दिन पहले अगर आपने आवास के फॉर्म जल्दी भरा है, ठीक है, मतलब जो है आपने अगर एडमिशन लेट कराया तो आपको जो है कम पैसा मिलेगा, और एडमिशन आपने पहले ही करा लिया है, पहले कराया तो आपको उसका पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो आवास का पैसा लगभग आपको जो है 700 यहाँ पर 7,500 आपको मिलने वाला था फर्स्ट किस्त, ठीक है। सेकंड किस्त तो आपकी जो है बाद पे आएगी, मतलब आप जो है सेकंड सेम करेंगे तब आएगी आपकी, जो बाकी आवास का जो दो किस्त मिलते हैं, तो फर्स्ट किस्त यहाँ पर आई है अभी, मतलब जो है टोटल यहाँ पर बात करें तो आपकी यहाँ पर 18,000 के करीब यहाँ पर आपकी जो है पेमेंट डाल दी गई है, ठीक है, छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो भी एसटी, ठीक है, जो भी एसटी कैटेगरी में आता है उसी के यहाँ पर पैसे डले हैं, 18,000 के आपके आसपास डले होंगे, हो सकता है 17 से 18 के बीच में आपकी पेमेंट यहाँ पर आएगी, ठीक है, स्कॉलर और आवास की, स्कॉलर की कितनी, 10,589, ठीक है, 8,990 हो सकता है, और आवास के यहाँ पर आपकी टोटल कितनी आ रही है, 7,500, ठीक है। आवास में आपकी जो है कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, या तो आपको 7,000 भी मिल सकते हैं, आपके एडमिशन पर डिपेंड करता है, ठीक है, अगर आप बाद पे कराया तो कम पैसा मिलेगा, और शुरू में ही स्टार्टिंग में करा लिया तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। और ये सब किसकी स्कॉलरशिप आई है, अगर आप एमएससी कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, ठीक है, एमएससी या एमए कर रहे हैं और एसटी के छात्र हैं, उन्हीं के यहाँ पर स्कॉलरशिप आई है। मतलब बात करें तो यहाँ मतलब जितने भी पीजी छात्र हैं, ठीक है, पीजी छात्र हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, उन्हीं के यहाँ पर जो है स्कॉलर के पैसे और आवास के पैसे यहाँ पर डले हैं, वो भी फर्स्ट सेमेस्टर के, ठीक है। आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो पर मैं क्या बताया, यहाँ पर एक बार क्लियर कर लेता हूँ, एसटी छात्र छात्राओं के यहाँ पर स्कॉलर और आवास के पैसे डले हैं, ठीक है, वो भी कितने डले हैं, 18,000 के बीच में यहाँ पर आपके जो है पैसे डले होंगे, क्लियर कर लेना है, ठीक है। हो सकता है कभी कभी जो है आवास के पैसे नहीं आते या स्कॉलर के नहीं आते, तो आप जो है इसको जो है क्लियर कर लेना, बाकी यहाँ पर दोनों के पैसे डाल दिए गए हैं, ठीक है। तो एसटी कैटेगरी में जो आता है उनके यहाँ पर जो है ये जो स्कॉलर आवास आ गए हैं, ठीक है। तो ये थी आज की जानकारी और खुशखबरी, चूँकि काफ़ी सारे यहाँ पर छात्रों को इंतजार था, और कुछ पूछना है तो नीचे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी जानकारी हम अपलोड करते हैं, ठीक है। और ये छात्रवृत्ति जो है पीजी के छात्रों के लिए आई है, ठीक है, जो भी पीजी स्टूडेंट है फर्स्ट सेमेस्टर के, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर आप चाहे वो एमए या एमएससी बॉटनी जूलॉजी किसी से भी कर रहा हो, ठीक है, लेकिन पीजी के छात्रों के लिए आई है, यूजी के छात्रों के लिए नहीं है। यूजी मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, इनकी स्कॉलरशिप यहाँ पर नहीं आई है, या आई भी होगी तो मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर पीजी वालों की आ गई है। और आपको कुछ पूछना है कमेंट कीजिएगा, नीचे आपको व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट भी मिल जाता है। बाकी
जो है मिलते हैं अगली वीडियो पर, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।